ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी रुलाती है कभी हंसाती है, लेकिन जो ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहता है, ज़िंदगी उसी के सामने सर झुकाती है। बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं बनता, बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होती। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होती। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट व्हेन एवर यू वॉचिंग माई वीडियोज। वेल गाइज, आज हम बात करने वाले हैं अंकिता नागर की, जिनकी पहले कोई पहचान नहीं थी, अब वो सिविल जज के रूप में जानी जाती हैं। सो गाइज, अंकिता नागर जो कि एक सब्जी बेचने वाले की बेटी है, जिनकी माता का नाम लक्ष्मी नागर एवं पिता का नाम अशोक नागर हैं। अंकिता नागर का दिन बहुत ही संघर्ष भरा रहा, फिर भी ये पढ़ाई करना बंद नहीं की और अपनी पढ़ाई जारी रखी। ये थर्ड अटेम्प्ट में सिविल जज की परीक्षा पास की। अंकिता नागर अपने सफलता का सारा श्रेय, अपने सफलता का क्रेडिट अपने मम्मी पापा और अपने शिक्षक को देती हैं। वो कहते हैं ना कि शिक्षक और माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ हो तो आप दुनिया के हर मुकाम हर मंजिल को पा सकते हो। ऐसा ही कुछ हुआ अंकिता नागर के साथ। अंकिता नागर के मम्मी पापा सब्जी बेचकर अपने घर का पालन पोषण करते थे और अपनी बेटी को पढ़ाते थे। अंकिता भी अपने मम्मी पापा का सब्जी बेचने में मदद करती थी, इसके बावजूद भी वो पढ़ाई करना बंद नहीं की, साथ में पढ़ाई जारी रखी और तब जाकर के सिविल जज का एग्ज़ाम पास किया और आज वो जज के रूप में जानी जाती हैं। वे कहती बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थे, उन्हें कोई बुक्स की ज़रूरत पड़ती थी तो वो फ्रेंड से और टीचर से ले लेते थे। वो पर्सनली बात करके टीचर्स से अपना फ़ी भी कम करवाई थी क्योंकि उनका इकोनॉमिकल लेवल ज़्यादा नहीं था। सो गाइज, अंकिता नागर मेरे लिए तो मोरल गर्ल है, क्योंकि जो लोग हिम्मत हार के बैठ जाते हैं, जो लोग ये सोचते हैं यार मेरे मम्मी पापा के पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे, लोग सोचते हैं यार हम तो सब्जी बेचने वाले के बच्चे हैं, हम तो ऑटो रिक्शा चलाने वाले के बच्चे हैं, हमारा क्या लेवल है, हम भी तो ऐसा ही काम करके रह जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो आज अंकिता नागर भी सिविल जज नहीं बन पाती। हमें अपने इरादों को मजबूत रखना चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए और तब सफलता खुद ब खुद हमारा कदम चूमती है। हम स्टूडेंट्स को अंकिता नागर से सीख लेनी चाहिए कि परिस्थिति कोई भी हो, हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपने मंजिलों के लिए रास्ता बनाना चाहिए, और इस सोसाइटी को अंकिता नागर के मम्मी पापा से सीख लेनी चाहिए कि बेटियां बोझ नहीं होती, क्योंकि उन्होंने हिम्मत दिखाई जो कि शायद ही कोई सब्जी बेचने वाले मम्मी पापा ऐसा कर सकते हैं। उनकी बेटी का फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं, सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं, थर्ड अटेम्प्ट में सिविल जज का एग्ज़ाम क्लियर हुआ, फिर भी उनके मम्मी पापा हिम्मत नहीं आ रहे। वरना हमारे इस सोसाइटी में एक बार लड़कियां फेल हो जाए फिर तो उनके लिए दूसरा रास्ता शादी ही रहता है। लेकिन उनके मम्मी पापा ने ऐसा नहीं किया, उन्हें मौका दिया और आज वो एक सिविल जज की मम्मी पापा कहला रही हैं और उनकी बेटी सिविल जज। इन द एंड ऑफ वीडियो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि समय कैसा भी हो सबका बदलता है, परिस्थिति कैसी भी हो कभी ना कभी बदल जाएगी, पर ये बात भी सच है कि समय लौट कर कभी नहीं आता है। इसलिए अभी से, इसी वक्त से मेहनत करते रहो, अपने मंजिल के लिए रास्ता बनाओ और अपने मुकाम को हासिल करो। इस दुनिया में एक ही बार जन्म मिलता है, अपनी पहचान बनाओ। It is 24 hours and do like, share, subscribe.